इस मंच के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ और साथ ही ये कहना चाहती हूँ ये जो आज जो यात्रा हो रही है माननीय तेजस्वी यादव जी की, ये यात्रा जन विश्वास की है, जो आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया है, आपको जानकारी भी है और मैं उसके लिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। 2020 के चुनाव में आप लोगों ने 5 जन सलाह के साथ अपने हमें राष्ट्रीय जनता दल को महागठबंधन के लोगों को पूर्ण बहुमत दिया था और साथ ही हम पूरे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम लोगों बनने का काम किए थे और उसी क्रम में उन्होंने कहा था कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम निश्चित तौर पर हम आपके बीच में काम करेंगे, यानी कि दवाई पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई और सुनवाई और रोजगार की भी बात कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम 10,00,000 लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन उस समय में चुनाव के समय में कितने कितने पार्टी के नेता लोग यहाँ पर उतरे, लेकिन जनता ने सपना देखा था कि तेजस्वी जी बनेंगे, महागठबंधन में हमारी सरकार बनेगी तो हमें रोजगार मिलेगा, किसानों के साथ न्याय होगा, हमारे पढ़े लिखे लोगों के साथ न्याय देने के काम करेंगे। और इसी के आधार पर आप देख रहे हैं बार बार इस देश इस राज्य का जो मुखिया है बार बार पत्र बदलते रहते हैं, बार बार पत्र बदलते हैं, न जाने कौन सा ऐसा काम हो गया अभी जिससे वो हमारी हमारे लोगों से नाराज हो गए, हमारे पार्टी के तेजस्वी यादव पार्टी के महागठबंधन के लोगों के साथ नाराज हो गए। कारण भी नहीं बताया, बगैर कारण ही कब पलट गया पता भी नहीं चला। इसे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी उम्मीद और आपके लिए लड़ने वाला अगर कोई इस धरती पर पैदा हुआ है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और साथ में अभी जो महागठबंधन में राहुल गांधी जी आए थे, किसानों की समस्या को सुन रहे थे और किसानों के हक हकों की बात और लगातार किसान पंचायत का भी आयोजन किया गया था सासाराम। लोगों को क्या कठिनाई है, क्या परेशानियां है, उन सबों का संवाद बात सुन करके उन्होंने अपनी बातों को रखा कि हमारी जब सरकार आएगी महागठबंधन की सरकार आएगी तो हम पूर्ण बहुमत में आप सबों का जो मांग है उन मांगों को हम पूरा करेंगे। लेकिन आज के पहले हम लोगों ने नहीं देखा होगा कि इस तरह का कोई छलिया नहीं होता जो कि कब जैसे कि क्या कहा जा सकता है कि इस तरह का रंग कोई बदल दे, ये हमें तो कभी उम्मीद ही नहीं था कि कितने बढ़िया से सरकार चल रही थी, चारों तरफ हर विभाग में नियुक्तियां निकल रही थी और आज भी कल भी इन लोगों ने कृषि विभाग से 1,400 या समथिंग का लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया, तो क्या हम इसका क्रेडिट नहीं लेंगे? जिस जिस विभाग में हमारे मंत्रीगण बैठे थे उन विभागों में आपको नौकरियां निकली, लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जितना भी हॉस्पिटल है स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे तेजस्वी यादव, उसके बावजूद पता नहीं क्या हो गया, क्या करिश्माई कर दिए बीजेपी वाले, दाग में तो जरूर कुछ काला होगा, दाग में काला होगा, इसीलिए पलटने का इनका सिस्टम हो गया। आप तो जानते हैं कि बीजेपी के लोग जो उनका अपना खुद बाहर किया है उनके वर्कर को साथ साथ सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स ये सारे लोग लगे हुए हैं, उनके पक्ष में काम करते हैं। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार लोग भ्रष्टाचार, मैं पूछना चाहती हूँ महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में जितने भ्रष्टाचार किए हुए लोग थे उन सबों को कौन पार्टी में मिला दिया, उनके भ्रष्टाचार की बात कौन करता है, कौन देख रहा है उसके बारे में, यहाँ हम लोगों के ऊपर आरोप
बताया जाता है। माननीय श्रीदानों प्रसाद जी के ऊपर आज तक उन पर दबाव बनाया जाता है ये जी, लेकिन हमारे लालू जी कभी भी झुकने वाले नहीं और न कभी किसी चीज से समझौता किया है। इसे मैं आपसे कहने के लिए आई कि तेजस्वी यादव जी जो भी करेंगे हमारी सरकार के महागठबंधन के लोग करेंगे, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन एक रास्ता बना दिया उन्होंने कि कोई भी आदमी कोई भी सरकार या चुनाव में आएंगे तो रोजगार की बात जरूर कहेंगे, रोजगार की गारंटी की बात कहेंगे, लेकिन उनके कथनी और पत्नी में कितना भरोसा जनता करेगी मैं नहीं समझती हूँ कि उनके कथनी और पत्नी में कितना जमीन और आसमान का अंतर होता है। इसलिए मेरे भाइयों इसलिए मैं आपको आगाह करने आई हूँ, हमारे लिए बड़ी मासूम है और कुछ समझने इतना उत्साहित हो जाते हैं कि घोर आने के पहले सोचते नहीं है, थोड़े से चंद बातों को आंसू के चलते अपने आप को उधर से उधर कर देते हैं। जरूरत है कि आपको जगना है और आपको जगाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यहाँ आ रहे हैं और महागठबंधन का रैली भी 3 तारीख को गांधी मैदान में होने जा रहा है। हर बार जब जब हमारे नेता ने जब जब आपका आह्वान किया है गांधी मैदान को खचा खचा अपने भरने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन साथ दीजिए, मजबूती के साथ दीजिए, अंतिम पायदान तक पहुंचाने का बात कीजिए जो तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो कार्य किया है। जातीय जनगणना ये माननीय श्री लालू प्रसाद जी 2011 से मांग कर रहे थे कि कौन सी जाति के लोग कितने हैं और कितनी संख्या उनकी, कितनी आबादी है, ताकि लोगों की योजनाएं तो बन सके, अन्यथा वो एसी के कमरे में बैठ करके कोई आदमी रोजगार नहीं दे सकता है और न ही गरीबों के तक हक पहुंचा सकता है। इसलिए मैं आपसे ज्यादा न बोलते हुए, चूंकि माननीय तेजस्वी जी एकदम निकट पहुंच गए हैं, तो इसे कहते हुए मैं अपनी वाणी के ऊपर पूर्ण विराम दूंगी कि तेजस्वी जी ही आपकी आशा और आपकी उम्मीद पर खरा उतरने का काम करेंगे, अन्यथा कोई दूसरा कोई इस धरती पर नहीं है जो कि आपके रोजगार आप पढ़े लिखे नौजवानों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम करते हैं। इन्हीं चंद बातों को कहते हुए अपनी वाणी को ही पर पूर्ण विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।